दिस न्यूज इज ब्रॉट बाय हेवन यूनिसेक्स सैलून कुल्लू। कुल्लू जिला में बस न मिलने से छात्र परेशान हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि बस में सीट न मिलने से बच्चों को स्कूल की पढ़ाई से भी वंचित होना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कत पहनाला क्षेत्र के बच्चों को पेश आ रही है। यहाँ के बच्चे हर दिन सुबह 7 बजे घर से स्कूल के लिए निकलते हैं, लेकिन बस में भीड़ होने के कारण स्कूल पहुँच ही नहीं पा रहे। ऐसे में छात्र छात्राओं ने बुधवार को भी प्रदर्शन जारी रखा और सरकार से अतिरिक्त बस सेवा शुरू करने की गुहार लगाई। प्रदर्शन में पहानाला व्यासर के बच्चों ने भाग लिया। प्रदर्शन में कुल्लू सदर के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने भी छात्र हित के लिए भाग लिया। इस दौरान कॉलेज गेट से डीसी ऑफिस तक रोष रैली निकाली गई। विधायक के नेतृत्व में उपायुक्त से छात्र छात्राएं मिले और समस्या का हल करने की मांग की। कम से कम एक डेढ़ घंटा चलना पड़ता मेरे को ऊपर, शाम को भी और सुबह भी, रात भी, रात को भी, शाम को। मैं कम से कम 9 बजे घर ही पहुँचता हूँ पैदल जाते, और सुबह भी हम 12-1 बजे तक पहुँच रहे हैं स्कूल। हमारे को रोज इस तरह से हमारी पढ़ाई कितनी कम हो रही है, रोज लेट होना और पढ़ाई में से हमारे को बहुत कमी आ रही है। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए कुल्लू से मोहर सिंह पुजारी की रिपोर्ट। भागदौड़ भरी इस जिंदगी में कौन खूबसूरत नहीं दिखना चाहेगा। आपकी खूबसूरती और युवा दिखने की चाहत को बरकरार रखने के लिए अब हेवन यूनिसेक्स सैलून ग्रुप आपके अपने शहर सोलन और कुल्लू में अत्याधुनिक उपकरणों व ब्रांडेड सौंदर्य प्रसाधनों से लवरेज। हेवन यूनिसेक्स सैलून ग्रुप तेजी से उभरता वो नाम है जो बेहतरीन सर्विसेज और गुणवत्ता के लिए एक अलग पहचान बना रहा है। हेवन्स ग्रुप के प्रबंध निदेशक जितेंद्र ठाकुर बताते हैं कि हमारे यहाँ ब्राइडल, ग्रूम्स, मेकअप के साथ साथ हेयर कट, ट्रिमिंग, शेविंग, हेयर स्पा, फेशियल, वैक्सिंग, ब्लीच व हर तरह का क्लीनअप इत्यादि सभी प्रकार के सौंदर्य ट्रीटमेंट किए जाते हैं। तो जवान जवान दिखने के लिए आज ही चले आइए अपने नजदीकी हेवन यूनिसेक्स सैलून।